जैसे किसी के अदिया बटे करने कर रहे हैं, तो इसके कारण खाली बस यही कारण कि बोले अदिया बटे मुसलमान क्या ज्यादा नहीं आना नहीं भाई। मुसलमान की खेती कर रहे हैं, इस कारण से आपको अलग कर बस दिया, बस इस कारण से और कोई कारण नहीं? नहीं, हिंदू मुसलमान में दो व्यक्तियों का आपसी झगड़ा हुआ, आपसी झगड़ा के कारण, उनके आपसी दुश्मनी के कारण तुम हमारे उस आदमी के यहाँ जाओ मत, और जाओ जाना नहीं, और उनसे कोई दोस्ती रखना नहीं, और उनका खेती अदिया बटाई करना नहीं, और करोगे तो समाज से बहिष्कार। आज हम ग्रामीण क्षमता न्यूज किरनापुर जनपद के अंतर्गत ग्राम पंचायत कटंगी पोस्ट मौदा में हम पहुंचे हैं, और यहां पर एक नया ही प्रकरण हमको देखने को मिला है। यहां पर एक जो गांव में समाज होते हैं, उस समाज के अंदर मरार समाज जो है कटंगी में, इस कटंगी में क्या हुआ है कि कुछ परिवार को उस समाज ने बहिष्कृत कर दिया गया है। उनका हुक्का पानी यानी खाने पीने की सामग्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो इस सिलसिले में हम जब कटंगी आए हैं और देखे कि काफी लोग थे और कुछ परेशान, तो हम आइए जानते हैं कि आखिर इनके साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण थे जिसके कारण समाज के लोगों ने इनको बहिष्कृत किया गया। क्या ये भारतीय कानून में सही है कि किसी भी सामाजिक व्यक्ति को उसके समाज से अलग कर उसका हुक्का पानी बंद कर देना, क्या जीने का जो मानव अधिकार का जो कानून बना हुआ है, क्या इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति स्वतंत्र होकर के जो कानून की धारा है उसके अंतर्गत जब बोला गया कि किसी के साथ आप ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते, उसके बाद भी आज भी गांव में रूढ़िवादिता छाई हुई है। इस रूढ़िवादिता को कब खत्म किया जाए इसका तो अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। हमने अभी तक सुने कि आज हमारे देश में ऐसे प्रधानमंत्री आ चुके हैं जो हर चीज पर तुरंत एक्शन लेते, पर यहाँ पर तो कानून व्यवस्था भी ठप पड़ी हुई है। आप थाने से जाकर के समाज के व्यक्ति अपनी तानाशाही का ऐसा उपयोग कर रहे हैं कि लोग हुक्का पानी पीने से मजबूर है, तरह तरह की यातनाएं झेल रहे हैं, आर्थिक तरह से परेशान है। आइए जानते हैं, सीधे हम चलते हैं पब्लिक के बीच और जानते हैं कि आपके साथ आखिर हुआ क्या है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयचंद बिशन। अच्छा, ये आपका कौन सा ग्राम है? ग्राम कटंगी। अच्छा, जैसे आपने हमको अभी बताया कि भी हमारे साथ तरह तरह की, तो आपको जो समाज, आपका जो मरार समाज है, इससे आपको बहिष्कृत किया गया, क्यों किया गया? ये हमको कुछ व्यक्तियों का, हिंदू मुसलमान में दो व्यक्तियों का आपसी झगड़ा हुआ, आपसी झगड़ा के कारण, उनके आपसी दुश्मनी के कारण तुम हमारे उस आदमी के यहाँ जाओ मत, और जाओ जाना नहीं, और उनसे कोई दोस्ती रखना नहीं, और उनका खेती अदिया बटाई करना नहीं, और करोगे तो समाज से बहिष्कार। तो आप उनकी खेती वेती कमाते थे क्या? हाँ, खेती कमाए थे, तो बटे बटी करते बटाई किए थे। अच्छा अच्छा, तो आप मजदूरी का काम करते जी, जी, इसलिए उनका खेती वगैरह की, इसलिए आपको बहिष्कृत कर दिया? बहिष्कृत कर दिया। और एक हमारा समाज होता है, उस समाज में 25-30 साल पहले जो शेयर जमा किया था, पैसे उस शेयर भी जमा होने के बाद आज वो लगभग 25 से 30 लाख के बीच राशि हो गई है। तो हमने बहिष्कृत करने के कारण शिकायत दर्ज किया थाना में, एसपी को, कलेक्टर को, कलेक्टर को भी किए थे, कलेक्टर को किए, उसके बाद में कुछ हुआ नहीं। इन्हें कुल मिला के आप ये बोल रहे हैं कि आपने आज से आपके पिताजी लोगों ने जो शेयर जमा किए थे कि समाज के कल्याण के लिए, उसकी राशि आज बढ़कर के 20 लाख हो चुकी है, आप उसको लेना चाहते हैं पर समाज आपको देना नहीं चाहती? समाज देना भी नहीं चाहती, और हमने नहीं दिए थे बहिष्कृत करने के कारण, फिर वो केस हम कोर्ट में डाल दिया। अच्छा, तो कोर्ट में डाल दे, तो हमने यही बोले कि हर होली में, साल में हर होली में एक बार मीटिंग होती है, उसको जमा भी करते हैं, वितरण भी करते हैं। वितरण करने के बाद मैं बोला कोर्ट में मेरा केस चालू है, तो मैं अभी नहीं दे सकता। तो उन्होंने, तो आपसे राशि कैसे ली उन्होंने? फिर पुलिस के माध्यम से राशि ली गई, और ये नोटिस आया था पुलिस। तो आप देख रहे हैं, ये थाना किरनापुर का नोटिस है, 8 लोगों पर आया और इनसे राशि वसूली गई, जो इनकी खुद की शेयर की राशि थी, जिसको मतलब धमका का चमका करके ये राशि इन लोगों से वसूली गई है। और अब जब ये राशि उनको देना चाहिए, उनकी जो हक है, तो पुलिस इस पर मदद नहीं कर रहे, है ना?
मदद कर रही क्या आप? मदद नहीं कर रहे थे आप? गए थे दो बार, गए तो पुलिस वाले ने बोला लिखित में दो, तो हमें लिखित में दिए, तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। ये आप देख रहे हैं, इनके पास एक प्रमाण है जिस पर ये साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई जो राशि ये वापस किए हैं इनको एक दिन के अंदर दे दी जाएगी, पर अभी तक इनको ये राशि मिली नहीं है और इन्होंने कहीं से ब्याजी पैसा उठाकर लाया था जो अब ये चुकाने में असमर्थ है क्योंकि उसका ब्याज भी 3 गुना बढ़ रहा है। तो इस तरह की प्रताड़ना से पीड़ित है ये व्यक्ति और इनके ऊपर कर्ज पे कर्ज हो रहा है, पर जब थाने की समझाइश होने के बाद में भी ये काम अभी तक नहीं किया गया, कहीं ना कहीं शासन पर भी इसके सवाल उठते हैं। आप बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमेश जामरे। क्या समस्या आपको बाहर कर दिया गया कहते हैं मरार समाज से, तो ऐसे क्या हुआ था कि आपको बाहर किया गया? मैं मुसलमान की खेती कमाया। अच्छा, इसलिए मेरे को बाहर कर दिया गया। तो वो मतलब आपके समाज का क्या कहना है कि आप किसी खेती नहीं कर सकते? किसी का खेती मत कमाओ, किसी से बातचीत मत करो, चौक चौराहे पे भी और किसी के साथ में मुसलमान के साथ में घूमो मत फिरो मत, ऐसा बोलते हैं। तो ऐसा तो कोई कानून में नहीं लिखा है, फिर आपको ऐसा कैसे बोले? आपने विरोध नहीं किए? किए, विरोध किए बहुत, इसलिए आपको बाहर कर दिया गया। इसलिए बाहर कर दिया गया। अच्छा अच्छा और हमने मतलब हमने ये सुनने में भी आया कि भी आपको यहाँ पर मतलब कोई सामाजिक कार्यों में भी नहीं आने दिया जाता। सगे भाई के घर में शादी हुआ तो वहाँ भी नहीं आने दिए और काका के यहाँ भी शादी हुआ तो वहीं भी जाने नहीं दिए समाज के लोग। अच्छा। उसको पूछोगे तो हम नहीं आते, ऐसा करके बोला गया। तो ये जैसे आप अगर कहीं पर आपको प्यास लग गई मान लो और आप खेत में काम कर रहे, तो क्या पानी अगर मांगोगे तो पानी देते पीने? नहीं देते, पानी भी पीने नहीं देते? पानी भी पीने नहीं देते। जैसे आप अगर किराना सामान लेने जाते, सामान वामान देते? सामान तो अब मैं तो दुकान गया च नहीं। अच्छा अच्छा, यानी आपके दूसरे जाते हैं। अच्छा चलो, क्या नाम है जी आपका? हरिराम बिसे। बताओ आप क्या समस्या आपके साथ? समाज से छोड़ दिया गया है हमें, अब हमारा तो गुना कुछ नहीं है, फिर भी अब एक भतीजे ने अधिया भटे कमाया था। अच्छा, उसके कमाने के बाद में हम मतलब चारों भाई को छोड़ा गया, क्या वजह क्या है ये वो समाज वाले बताएंगे। अध्यक्ष को पूछे तो बोले वो आटा चक्की पिसाया, मतलब आटा चक्की में आटा पिसाया, ऐसे छोड़ा गया। हमारे यहाँ एक आपको जैसे समाज से बहिष्कृत कर दिया गया, तो और आपके साथ क्या क्या समस्या ऐसी हो रही है जिसके कारण आप बहुत प्रताड़ित हैं? तो हमारे यहाँ जब एक बहू मरी छोटी वाली, तो वहाँ जब हम वालिंदों को बोले कि बोले भैया आप घूम जाओ यार, तो बोले मैं अध्यक्ष महोदय से पूछूंगा। जब वहाँ वो पूछ के आया तो हमने उसको पूछे बोले कैसा भैया तुमने पूछे क्या, तो वो बोलने लगा नहीं, उन्होंने बोला कि बोले समाज ऐसे बहिष्कार है उसके हम जाने। आपको समाज से बहिष्कृत कर दिया गया, इसलिए आपके यहाँ कोई आएगा नहीं? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं खाएगा, नहीं पिएगा, नहीं छुआ 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 के भावने से छुआ छूत का व्यवहार हो रहा है। बिल्कुल छुआ छूत का। तो इसके लिए आपने शिकायत की है? शिकायत की, थाने में भी की है, समाज में भी की है, ब्लॉक स्तर पे भी की है। तो थाने से कोई कार्रवाई हुई? हुई कार्रवाई की, कुछ नहीं हुई, वो तो कागज है। अच्छा अच्छा, यानी कार्रवाई हुई नहीं? नहीं हुई। तो आज भी आप बहुत प्रताड़ित? हाँ प्रताड़ित है, कोर्ट में भी किए, कलेक्टर को भी किए। नहीं नहीं, कोर्ट अगर तो थोड़ा सा ये है, पर आप अभी जैसे थाने वाने में किए तो आप या सामाजिक तौर पे की तो कोई मिलाने का कोई काम अभी तक हुआ नहीं? नहीं हुआ है। इन्हें कुल मिला के आप सभी प्रताड़ित थे, इन्हें जो 9-10 परिवार जो है, तो आप सब परेशान है समाज से बहिष्कृत करने। तो ये समाज में अगर आप जैसे किसी के अधिया बटे करने कर रहे हैं, तो इसके कारण खाली आप बस यही कारण की बोले अधिया बटे मुसलमान के यहाँ जाना नहीं आना नहीं, इन्हें मुसलमान की खेती कर रहे इस कारण से आपको अलग कर? बस इस कारण, और कोई कारण नहीं? जबकि संविधान में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। नहीं संविधान में तो नहीं, कानून आप जानते हैं, इसलिए तो आपने विरोध किया, ये सही है, आपने अच्छा किया, पर क्या यही के कारण है या और कुछ है? नहीं दूसरा कारण कुछ नहीं है, बस यही कारण है। और बाकी लोग ने जो किए हैं, ये इतने सारे लोग हैं, इनसे 5-5 हजार रुपए जुर्माना ले लिए हैं, एक आदमी से 15 हजार रुपए जुर्माना ले लिए अमर 84 करके। बात करते हैं तो देख रहे हैं आप कि कैसी रूढ़िवादिता आज भी गाँव में फैली हुई है, और रूढ़िवादिता होने के कारण अगर आप किसी व्यक्ति से, अगर वो आपके पक्ष में नहीं है, तो अगर आप उस किसी व्यक्ति से बात करते हैं, तो आप हमारे पास एक कॉपी भी रखी हुई है, देखिए इसके लगभग लगभग 10 से 15 नाम है जिसमें उनसे 5-5 हजार रुपए, किसी से 15 हजार रुपए की राशि सिर्फ बात करने पर ले ली गई। इस तरह के अंधविश्वास और रूढ़िवादिता होने के कारण गाँव में जो सरकार चाहती है कि सब एक साथ रहे, एक साथ मिलजुल कर रहे, देश में अखंडता एकता का वातावरण बना रहे, इस तरह से तो संभव नहीं लगता जो आज ग्राम कटंगी में जो हो रहा है।
इसको देखते हुए ऐसा हम मुझे प्रतीत थी भविष्य में यहाँ पर ऐसी एकजुटता या एक लोग रहे। इस सन में जब हमने इनसे पूछा तो बोल पानी तक किमान तक हमको नहीं देते हैं, ऐसे कैसे इस गाय की समस्या होने पुलिस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पहुंचने का कारण यही है कि सरकार की आंख खोलना। इसके बाद बताए तो इन लोगों का कहना है कि हम कलेक्टर में धरना प्रदर्शन करेंगे। इन्हीं के साथ मैं अपने सहयोगी आशीष नेवारे के साथ मधुसूदन मारवाड़ी की रिपोर्ट ग्रामीण क्षमता से, नमस्कार।